हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनक क्रिएशन। दोस्तों, आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे स्क्रिप्ट के बारे में जो बस एक सिंगल क्लिक में ही आपके सारे फ्रेम्स को या आपके पीएसडी टेम्पलेट को ड्रैग एंड ड्रॉप पीएसडी में कन्वर्ट कर देगा। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप पीएसडी, जिसे हम मैजिक पीएसडी भी कहते हैं। बस उसमें एक फोटो को ड्रैग करके ले जाना है, छोड़ देना है, फोटो ऑटोमेटिकली रिसाइज होके फिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए बगैर देर के हम वीडियो शुरू करते हैं, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो काफी मजेदार होने वाला है और आप काफी चीज सीखेंगे और ये आपके काफी काम आ सकता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि ये आपके काम का है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैं फोटोशॉप सीसी 2020 में कर रहा हूँ, और जिस स्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये स्क्रिप्ट हमारे जय भैया ने हमें भेजा है। तो उनके इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ कि वो 100% वर्क करता है या उसमें भी अभी भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जय भैया हमारे लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए। उनको उन्होंने जो बनाया है, उन्होंने जितना मेहनत किया है उसमें हो क्योंकि 100% कोई भी चीज नहीं बनती है, तो उसमें हम टेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि उसमें और बेहतर ढंग से प्रोसेस किया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है, तो हम उसको देखेंगे। जो भी खामियां होंगी हम उन्हें इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको कवर करूंगा और कोशिश करेंगे कि भैया इस स्क्रिप्ट को और बेहतर बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पे कोई सा भी फ्रेम ले लेता हूँ। एक पीएचडी टेम्पलेट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए मैंने यहाँ पे फोटोशॉप में मैंने एक बना बनाया पीएचडी टेम्पलेट मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ठीक है, मैंने फोटोशॉप में इसे ओपन कर लिया है, सीसी 2020। ये देखिए दोस्तों, ये सारे नॉर्मल पीएचडी हैं, आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटोज है तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है, किसी भी लेयर को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। मैं एक फोटो यहाँ पे ले जा करके ड्रैग कर रहा हूँ, देख किसी भी फ्रेम में ये नहीं गया। ठीक है, इसका मतलब ये नॉर्मल पीएचडी है दोस्तों। तो अब हम इसमें स्क्रिप्ट डालेंगे, तो वो मैं स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे पहले ही डाल रखा है, देख कन्वर्ट ऑल फ्रेम स्क्रिप्ट, सॉरी लेयर, कन्वर्ट ऑल फ्रेम लेयर। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले एक ही फ्रेम को, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए सारे फ्रेम को सिलेक्ट करना पड़ता है, जो जो फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे वो कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम एक फ्रेम को करके देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। तो स्क्रिप्ट कन्वर्ट ऑल फ्रेम लेयर, और ये देखिए दोस्तों प्रोसेस ले रहा है। इसने सारे फ्रेम्स को तो रिनेम कर दिया, लेकिन केवल एक ही फ्रेम को ड्रैग एंड ड्रॉप में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। इसका मतलब यह है कि जिस फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे ये वही फ्रेम को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप फोटो हम ड्रैग करके देख लेते हैं। यस, ठीक है, ये काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसे अंडू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम सारे फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो क्लिप आर्ट है मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फ्रेम्स हैं। मैंने सारे फ्रेम को सिलेक्ट किया, फाइल में गया। अभी मैं स्क्रिप्ट को देखिए दोस्तों, पहले से इंस्टॉल ये कॉपी कर रखा है, तो हम इसको ब्राउज करके ओपन करते हैं, जहाँ पे मैंने इसे रखा है। तो मैं यहाँ पे ये ओपन कर दे रहा हूँ, ये देखिए सारे फ्रेम को ये बैक टू बैक क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों। आप इस लेयर पैनल में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके सारे फ्रेम चेंज होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो हमारे सारे फ्रेम एक अलाइन हो गए हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप में चेंज हो गए। अब ट्राई करके देखते हैं, चलिए इस तरह से कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं फोटोज को पकड़ रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, देखिए, और ले जाके छोड़ दे रहा हूँ। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरीके से, वाकई बहुत ही प्यारा है। और देखिए मेरे पीएचडी में जो इफेक्ट था वो ऑटोमेटिकली उस इफेक्ट में वहां पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो काफी बेहतरीन उन्होंने बनाया है। थैंक यू भैया, आपने काफी मेहनत किया है। ये तो
इस तरीके के एक नॉर्मल फ्रेम में था, अब हम इसमें कुछ अलग तरीके के फ्रेम में इसे टेस्ट करेंगे। ये पहले कसौटी में तो पार हो गया, पास हो गया है। अभी हम इसको, ये देखिए हमारा फ्रेम ड्रैग एंड ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, तो मैं सिंपली इसे यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दूसरा PhD हम ओपन करते हैं जिसमें थोड़े अलग टाइप के फ्रेम हो। तो चलिए मैं इसे बैक करता हूँ, कुछ अलग टाइप के फ्रेम्स यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ जिसमें राउंड शेप वाले भी हों, किसी को भी ओपन कर लेते हैं। चलिए इसी में हम लोग राउंड फ्रेम वाले, राउंड शेप वाले फ्रेम ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो मेरे पास राउंड फ्रेम वाले PhD अभी दिख नहीं रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल इस तरीके से दो फ्रेम को यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक सर्कल वाले फ्रेम्स यहाँ पे बना लेता हूँ। देखते हैं कि इस तरीके के फ्रेम में भी काम करता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक सर्कल और कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ में मैं यहाँ पे एक फ्रेम बना लिया। ठीक है, ओके, एक राउंड ओवल शेप मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, इसे ऊपर ले आता हूँ। ओके, एक थोड़ा अलग टाइप का शेप यहाँ पे रैप कर देते हैं और थोड़ा हटके कुछ इस तरीके का फ्रेम यहाँ पे हम बना लेते हैं, ऐसे ही रैंडम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया, अभी थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूँ फिलहाल के लिए, इसे भी हटा देते हैं। ओके, थोड़ा अलाइन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए ये कुछ इस तरीके के हमने यहाँ पे फ्रेम्स यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब इन फ्रेम्स को देखते हैं कि ये कन्वर्ट करता है क्या। तो फिलहाल तो अभी मैं ट्राई करके बता देता हूँ कि नॉर्मल फ्रेम्स हैं, ये देखिए, देख सकते हैं फिल नहीं हुआ। ओके, सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, स्क्रिप्ट ब्राउज, यहाँ पे करेंट ऑल फ्रेम लेयर, देखिए हमने इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे प्ले कर दिया है और ये बैक टू बैक जो है इसे स्मार्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखिए, ये हमारे फ्रेम्स ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गए हैं, थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों जी। तो हमारे फ्रेम यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये फ्रेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, रिफरेंस के लिए। नहीं ठीक है, रहने देते हैं। चलिए इसे डिसलेक्ट करता हूँ। अब देखिए ये सारे ड्रैग एंड ड्रॉप में फ्रेम बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब मुझे किसी भी लेयर को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, एक भी लेयर मेरा सिलेक्ट नहीं है। अब हम इसमें फोटोज डाल के देखते हैं। उफ, दूसरे में ट्राई करते हैं, हो सकता है। हाँ ये तो बराबर आ रहा है, इसमें भी डाल के देखते हैं, ये भी बराबर आ रहा है, ये भी आया। और स्क्वेयर वाले तो बराबर आ रहे हैं, देखते हैं अब दूसरे शेप में, इसमें भी ट्राई करके देखते हैं। ये भी सही है, आ गया। ओके, अब क्या इसमें फोटो सही ढंग से आता है? यहाँ पे जो ओवल शेप में है या स्टाइलिश फ्रेम है, ठीक है दोस्तों, ये उसको प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, आप देख पा रहे हैं। देखिए मैंने ओवल शेप किया था, उसमें भी नहीं आया। हो सकता है फोटो का फ्रेम साइज छोटा है, तो फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं आ रहा है, यानी ओवल शेप नहीं कर रहा है। तो ओवल शेप के लिए हमें मैनुअली यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। इसे भी मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब मैं एक ओवल शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो ये आ गया, इसी एक कॉपी बना लेते हैं हम लोग, ताकि एक हमारे पास मास्टर रहे। एक और मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे ले आता हूँ, वही जैसा हमने बनाया था, एक उसी तरीके का एक फिर से बना लेते हैं। ओके, चलिए इसकी भी एक कॉपी कर लेता हूँ रिफरेंस के लिए। तो हमने देखिए एक कॉपी को हमने हाइड किया है, इसकी भी एक कॉपी को हमने क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये Layer 1 और Layer 2 को हमने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट किया। ये देखिए अब ने इसे सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसे भी स्क्रिप्ट में अप्लाई कर देता हूँ और इन दोनों को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों। अब ये फाइल जो है ड्रैग एंड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम इसमें फोटोज अप्लाई करके देखते हैं दोस्तों। मैं इसमें फोटो डाल के देखता हूँ कि क्या वाकई ये काम कर रहा है। ये देखिए अभी भी नहीं किया। ठीक है, अब इसमें मैं एक फोटो डाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए अभी भी ये जो है राउंड में नहीं आया। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
हमने जो बंद किए थे लेयर, ये देखिए आप देख सकते हैं हमने जो बंद किया था वो इनेबल हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो आपने क्या करना है, ठीक है, ये जो नीचे वाला लेयर है उसे कंट्रोल के साथ में आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले लेयर में जाकर सिलेक्ट करेंगे और सिंपली आप इसे क्या करेंगे, मास्क पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो है उस तरीके के शेप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम थिंग आप इसे सिलेक्ट करेंगे, आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मास्क पे क्लिक कर देंगे, तो उस शेप में ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये स्क्रिप्ट आपके काम का है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और कोशिश करूंगा कि इसमें जो कमियां हैं जय भैया इसे बहुत जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि जय भैया वीडियो देख रहे होंगे, तो वो देख रहे होंगे तो इस वीडियो पे काम भी स्टार्ट कर चुके होंगे इस स्क्रिप्ट पे, कि ये ओवल शेप या अलग तरीके के शेप में किस तरीके से काम करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन क्लिक करें, जिससे क्या होगा फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह के मजेदार ट्यूटोरियल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।